फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून एक संडे आफ्टरनून को जो ऑथर है वो क्या नोटिस करता है वट इज इज मदर रियक्शन उनके मदर का क्या रिएक्शन होता है वट डजी

जैस मदर रैन इन साइड एंड रेस्क्यूड सम डॉक्यूमेंट्स जैन की जो मॉम है वो अंदर गई और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले आई वेंट अगेन टू गेट इज फादर्स फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स विच वर इज ओनली मेमोरीज विद दैम वा अंदर गई और उसके पापा की कुछ तस्वीरें वापिस से ले आई बाहर क्योंकि सिर्फ वो ही आखिरी चंद तस्वीरें उनके पास थी उनकी मेमोरीज थी उनके फादर की उनके पास वाई डजन इन टीयर्स आफ्टर द फायर जो जैन है वो क्यों रोने लगा जब आग लग गई थी घर में जैन फेल दैट एवरी थिंग वॉज गोइंग द रोंग वे जैन को लगा हर एक चीज गलत हो रही है उसकी जिंदगी में उस वक्त ही वॉज अ न्यू स्कूल नए स्कूल में था कोई दोस्त नहीं उसका और अब अब क्या हुआ इस आग ने उसकी सब चीजें उसे छीन ली वाई इज द ऑथर डीपली एम्बेर नेक्स्ट डे इन स्कूल जो ऑथर है जो जैन है वो एम्बेस्ड क्यों हो गया था अगले दिन स्कूल में अब एक दिन पहले उसके घर पे आग लगी थी अब उसके पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए इनफैक्ट उसके पास एक पेयर ऑफ शूज नहीं था ना किताबें थी तो वो बहुत ज्यादा एम्बेस्ड फील कर रहा था द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर हाउ हेज दिस बीन शोन इन दोरी उसने बोला जो कैट और जो ऑथर थे वो गुस्से काफी ज्यादा फॉन्ड थे क्यों और इस स्टोरी में कैसे बताया गया Where was the cat after the fire? आग लगने के बाद cat कहाँ चली गई Who brings it back and how? और जो cat को वापस कौन लेकर आता है और कैसे Cat और जो उसका master था Zan वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थे एक दूसरे से Every morning Zan would disturb the cat and wake it. हर एक सुबह क्या करता था Zan disturb कर देता था बिल्ली को और उसे उठा देता था

और जो कैट है उसे फायर के टाइम पे वो कहाँ चली गई थी जो कैट थी वो बहुत डर गई थी जब घर में आग लगी थी इसलिए वो वहां से चली गई थी और वापस कौन लेकर आया उसे एक काइंड वुमेन कैट जैन को वापस दे गई वट एक्शन ऑफ द स्कूल मेट्स चेंज ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हेम इमोशनली उसने बोला है कि जो स्कूलमेट्स के कौन कौन से एक्शन थे जिन्होंने जैन का नजरिया बदल दिया जिंदगी को लेकर और हाउ डज इज लोनली अकेलापन था कैसे उससे दूर हो गया एंड हाउ डज इट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ और जिंदगी फिर से उसने जीना कैसे शुरू कर दिया जो जैन के क्लासमेट्स थे वो काफ़ी ज्यादा सिंपेथेटिक थे आई अंडरस्टूड सिचुएशन दे अरेज ऑलिस फॉर हिम लाइक क्लोथ्स बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स इन्वाइटेड हेम ओवर टू देर प्लेसों की वजह से जो जैन था वो डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू हो गया था और उसे लग रहा था उसकी जिंदगी अब नई सीरियस से शुरू होने वाली है मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई दर गॉन एनी वे वाई डी फेट ही

बैक इसका मतलब है कि उसे नई जिंदगी मिल गई थी विच वॉज फुल ऑफ अफेक्शन एंड सो वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर